अगर आप नशा करना चाहते हैं तो सेहत का नशा करें। अगर आप सेहत का नशा करेंगे उससे आपके परिवार को भी कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा आपकी सेहत ही बनेगी। टीको टीको मम्मी वो दरवाजा नहीं खोला था। मम्मी मम्मी इधर आओ, ये देखो टीको क्यों नहीं गिरा। मम्मी इधर आओ, मम्मी टीको टीको क्या है, चाहे पार्टी करनी लाड़ साल में। मम्मी मिकी पहले पता बाबू रा मुन में कभी पार्टी आज लेने नजारे थैंक यू मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी। हाँ ठीक है, आज आइए मेरे को पैसे। आज लोकल चैनल में काम करता हूँ, आप सबसे रोज मिलना होता है टीवी पे सोशल मीडिया पे, लेकिन बड़ा दुख तब होता है जब हम लोग कई घरों में जाते हैं और वहां पर हमें वो खबर बतानी पड़ती है कि नशे से कोई लड़के की डेथ हो गई, ओवरडोज से डेथ हो गई लड़के की या लड़की की। कभी ऐसा मन नहीं करता है किसी घर में जाकर हम ऐसी बुरी खबर सुनाए, हमेशा मन ये करता है कि कोई लड़का लड़की हमारे जम्मू का कुछ ऐसा करे, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करे, हम आप सब तक वो खबर लेकर आए। लेकिन जब ये खबर मिलती है तो बड़ा दुख होता है, कारण होता है कि नशा। रायपुरी जी ने बड़ी अच्छी तरीके के साथ कविता के माध्यम से आप सबको ये मैसेज दिया। हमारे जो एसपी साहब थे, एसएसपी साहब सब यहाँ बैठे थे, मेरे मित्र प्रदीप दत्ता जी हैं सीनियर हमारे जर्नलिस्ट, बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे, मेरे दोस्त हैं वासु। हम सबको इकट्ठे होकर एक प्रण लेना पड़ेगा कि हमें टीम जम्मू के साथ मिलकर इस नशा को खत्म करने के लिए उसके विरोध में कुछ ना कुछ करना है। इसलिए अगर आप नशा करना चाहते हैं तो सेहत का नशा करें। अगर आप सेहत का नशा करेंगे उससे आपके परिवार को भी कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा आपकी सेहत ही बनेगी। और उस परिवार का सोचिए जब किसी घर में डेथ हो जाती है नशे के कारण, तो हम लोग उनके घर 10 दिन जाते हैं, 13 दिन। आजकल तो ऐसी ऐसी मॉडर्नाइजेशन हो गया कि 13 दिन की जगह 4 दिनों में ही खत्म कर देते हैं। 4 दिनों में इतने दिन कौन रखेगा अपने घर किसी को 13 दिन, पहले होता है 13 दिन, 4 दिनों में ही सब खत्म हो जाता है। तो उस माँ का क्या होता है, उस पिता का क्या होता है जिनके घर में 4 दिनों के बाद सब कुछ चले जाता है और कोई वहां पर आता नहीं। इसीलिए हमें ये सब चीजें देखते हुए जो युवा पीढ़ी है मेरी, जो मुझे सपोर्ट करती है, मुझे फॉलो करती है, मैं उन सबसे कहूँगा कि हमें नशे की विरोध में खड़े होना है। और जो हम लोग कर सकते हैं, खास करके जो टीम जम्मू काम कर रही है, हमें उस सब में इन सब का साथ देना है। और हमारे पुलिस के एक सीनियर अधिकारी जी आए हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सुनील जी का नमस्ते। और एसएसपी साहब हैं, एसपी साहब हैं। पुलिस ने बहुत काम किया है नशे को खत्म करने का, ऑपरेशन संजीवनी आप सब लोग जानते होंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके एरिया, आपके मोहल्ले में कहीं में भी आपको लगता है कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व है, तो ये मत सोचिए कि वो किसी और का बच्चा है, ये सोचिए कि वो हमारी सोसाइटी का बच्चा है। पुलिस ने बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, और अगर आप पुलिस तक इंफॉर्मेशन भी देंगे, चाहे मीडिया के माध्यम से या डायरेक्ट, पुलिस आपकी जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं करती। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी तो आपको कोई परेशानी होगी। और जो बच्चे नशे में इन्वॉल्व हैं, हमें उनको सोसाइटी से बायकॉट नहीं करना है, हमें उनके साथ काउंसलिंग करनी है। एक छोटा सा मुझे मतलब एक बात कहते हो, बड़ा दुख भी होता है, टीम जम्मू काम कर रही है, हम मीडिया से काम कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है, लेकिन इसी बीच में थोड़ा सा मुझे जो दुख इस बात का है, जो मैं जोरावर जी को कह भी रहा था मैंने ये बात कहनी है, तो मैं कहूंगा अगर किसी को इस बात से परेशानी होगी तो मैं माफी चाहता हूं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमारे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले जम्मू के सिदड़ा गोल्फ कोर्स, जो वहां पर सिदड़ा में गोल्फ कोर्स है सभी लोग जानते होंगे, वहां पर एक पार्टी होती है सनबर्न करके, आप लोगों को पता नहीं, पता है कि नहीं पता, लेकिन युवा पीढ़ी को जानते होंगे, इंस्टाग्राम पे बड़े पोस्ट देखे होंगे, वहां पर काफी सारे लोग जाते हैं और वहां पर धड़ल्ले से नशा चलता है।
अगर ऐसी पार्टियां हमारे जम्मू में होगी तो हम नशे को कैसे रोकेंगे? एक तरफ से हम पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, युवा लोग सब मिलकर नशे को रोकने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से इस तरह की पार्टियां आकर सारा पानी फेर देती हैं उस चीज के ऊपर। तो मेरी युवा पीढ़ी से ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऐसी पार्टीज को बायकॉट करें, ऐसी पार्टीज में बिल्कुल मत जाइए। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऐसी पार्टीज को यहाँ पर ना होने दें। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जम्मू के टूरिज्म विभाग ने भी उस पार्टी को स्पॉन्सर किया था। एक तरफ से हमारी पुलिस, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे सिविल सोसाइटी के लोग टीम जम्मू नशे को खत्म करने की बात करती है, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी पार्टीज को बढ़ावा देगी तो हम लोग किस तरह से काम करेंगे? ये मेरी बात थी, मैंने दोहरावट जो कहा था कि मैं ये बात कहूंगा, मैंने जेके मीडिया पे अपने चैनल पे भी कहा था और आप सब लोगों के बीच में भी कहूंगा, लेकिन युवा पीढ़ी से रिक्वेस्ट है ऐसी पार्टीज को बायकॉट करें, बिल्कुल बायकॉट करें। हमें ऐसी पार्टीज में जाकर कूल नहीं दिखना है। हम बड़ी अच्छी बात कही थी जो स्किट में थे, इससे हम कूल नहीं दिखेंगे, इससे हम फूल दिखेंगे। तो फूल बनने से अच्छा है आप लोग सेहत को अपना नशा बनाएं, ना कि चिट्ठे को। मेरी बस यही बात कहनी थी मैंने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आशीष पुरी जी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं डॉक्टर सुनील गुप्ता जी आई है, और एक फॉर्मल वेलकम के तहत मैं हमारे चेयरमैन टीम जम्मू जरावर सिंह जी